बिहार से एक बेहद ही बड़ी खबर आ रही है कि आखिर क्या चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता तेजस्वी यादव को भारी पड़ रही है। क्या तेजस्वी यादव को आने वाले समय में चिराग पासवान के रूप में एक सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा, सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भोजपुरी। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बता दें कि जमुई के सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच में जो तानातानी चल रही है, आखिर वो तानातानी क्यों चल रही है, इसके पीछे का समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। बता दें कि जमुई के वर्तमान के सांसद चिराग पासवान की लोकप्रियता कहीं तेजस्वी यादव के ऊपर भारी तो नहीं पड़ रही है, जिसके बाद अब तेजस्वी यादव चिराग पासवान को आने वाले समय में सबसे बड़े खतरे के रूप में देख रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान के बारे में लोगों का यह भी कहना है, जो लोग चिराग पासवान के समर्थक नहीं है या फिर उनके पिता के समर्थक नहीं है या फिर बीजेपी के समर्थक नहीं है, उनका ये कहना है कि चिराग पासवान के आने से और चिराग पासवान के जाने से बिहार की राजनीति में ना ही कभी कोई फर्क पड़ा है और ना ही आने वाले समय में कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान के जो समर्थक है, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उन्हें प्यार करने वाले हैं, जो उन्हें सम्मान देने वाले हैं, उनका कहना है कि चिराग पासवान आने वाले समय में सबसे बड़े फैक्टर के रूप में सामने निकल के आ रहे हैं। बता दें कि लोगों का यह भी कहना है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच में कोई भी समानता नहीं है। अगर दोनों की समानता की बात की जाए, दोनों की योग्यता की बात की जाए, तो दोनों में जमीन और आसमान का अंतर पाया जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की अगर समानताओं की बात की जाए तो दोनों के बीच में समानता यह है कि चिराग पासवान के पास काफी ज्यादा शिक्षा है, चिराग पासवान के पास काफी ज्यादा राजनीति की का ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान उनको अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान से विरासत में मिली हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव की पहचान यही है कि वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। इसके अलावा अगर बिहार में उनके भविष्य की बात की जाए या फिर उनके शिक्षण और योग्यता की बात की जाए तो लोगों का कहना है कि उनके पास जो भी योग्यता है वो योग्यता यही है कि वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और अनपढ़ राबड़ी देवी के बेटे हैं। इसके अलावा उनके पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है जिसके अलावा कहा जाए कि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री या फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लायक है। लोगों का तो यह भी कहना है कि तेजस्वी यादव को बोलने तक नहीं आता है, तेजस्वी यादव को राजनीति की कोई भी समझ नहीं है। लेकिन अगर चिराग पासवान के बारे में बात की जाए तो चिराग पासवान के बारे में लोगों का कहना है कि कुछ भी बोलने से पहले ये नेता सोचता है, समझता है, उसके बाद कोई भी बयानबाजी करते हैं। तो बता दें कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच की जो रार है, जो दोनों के बीच का जो द्वंद है, वो सामने धीरे धीरे निकल के आ रहा है। लेकिन चिराग पासवान को कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा खतरे के रूप में तेजस्वी यादव देख रहे हैं और तेजस्वी यादव को इस बात का जरूर एहसास हो गया है कि आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, दोनों में सबसे बड़े खतरे के रूप में तेजस्वी यादव के सामने एक ऐसे स्तंभ के रूप में चिराग पासवान खड़े हैं जिसे पार पाना तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।